ये आवाज़ है, ये शांति, दैट इज़ वॉट आई लव, दैट इज एग्जैक्टली वॉट आई लव। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ मैजिशियन एडी, लौट आया हूँ अपने नए एपिसोड के साथ। और आज है 18 तारीख, 18 जुलाई, और मैं निकला हूँ साइकिल राइड पे, एंड अभी बज गए हैं 6:30। तो आज देखते हैं माहौल क्या होता है। अभी तो धूप निकल रही है यार, सुबह 6:30 बजे से ही, तो उतना मज़ा नहीं आएगा, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि धूप तो चटकती हुई है काफ़ी। ये जो बारिश के बाद की और यू नो गर्मी के पहले की धूप होती है वो बहुत अजीब सी होती है। कभी देखना, गर्मी वाली धूप इतना नहीं चटकेगी जैसा ये उमस वाली चटकती है। तो क्या ठीक है, अब अपन जा रहे हैं आगे, लेट्स सी क्या होता है। आज केडी साइड जाएंगे या कहाँ, वो मैं अभी कुछ गारंटी कह नहीं सकता, जहाँ वक्त ले चले। तो जाना तो केडी साइड है, हरियाली बहुत है उधर। ये देखो ऐसी, जैसे यहाँ थोड़ी थोड़ी है ना, वहाँ ज़्यादा ज़्यादा है। तो वहाँ पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती है। ठाकुर साहब मिले थे पिछले ब्लॉग में, देखा होगा, तो उनका ही डायलॉग है, पॉजिटिव वाइब बड़ी आती है वहाँ पर। सो या लेट्स गो। अभी लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह 6:30 बजे धूप निकल रही है, लेकिन अभी बिल्डिंग से अपन बचे हुए हैं। लेकिन ये कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, यहाँ हाथ हाथ पे फील हो रहा है, बड़ा कूल सा। कल 4:30 बजे से जो सोया हूँ मैं, आज उठा हूँ सीधा 6:00 बजे। सोचो कितना टाइम सो गया मैं। लेकिन इतने दिनों बाद साइकिलिंग की थी तो पूरा हाथ पैर दर्द दे रहे थे, हाथ भी दे रहे थे पता नहीं क्यों, बट यह कि पैर तो दे ही रहे थे। तो फिर बस यही चीज़ हुई, तो अपन सो गए, बहुत देर सो गए, बट ठीक है, जल्दी उठ गए। अब वापस से स्केड्यूल मेंटेन करना है यार। मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि अगर रात भर नींद नहीं आई है तो फिर सुबह सोता नहीं हूँ, फिर सुबह भी बाहर निकल जाता हूँ घूम फिर के, व्लॉग बना के फिर वापस घर आता हूँ, सो दैट पूरी थकान हो जाए, उसके बाद तब भी नहीं सोता, फिर नहा धो के पूजा पाठ सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर सीधा शो रात में 10 बजे, फिर आएगी ज़बरदस्त नींद। सो वापस से आ गए ढलान पे, स्पीड अप। ओके, थोड़ी सी देर में पैर जवाब दे जाते हैं। सुबह सुबह स्पीडिंग हो जाती है तो मज़ा आ जाता है यार, क्योंकि दोपहर या शाम को तो नहीं हो पाती ऐसी। मज़ा आ गया, सुबह सुबह एटमॉस्फेयर अच्छी रहती है, ट्रैफिक कम रहता है तो हवा अच्छी चलती है, प्योर हवा। सो काफ़ी मज़ेदार सीन है, इतनी प्योर हवा आ रही है ना ब्रीथ करने में, जब सांस ले रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि शाम को दिन में पूरा पॉल्यूशन हो जाता है, और खैर दिल्ली वालों के वहाँ, मुंबई वालों के वहाँ ज़्यादा रहता है, वो अलग बात है, बट स्टिल उतना प्योर नहीं रहता। तो अभी सुबह सुबह इसलिए निकलना सही रहता है साइकिलिंग के लिए, शाम को मत निकला करो। शाम को जितना आप कैलोरीज बर्न करोगे ना, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन आप इनहेल कर लोगे, तो वो आपकी सेहत के लिए ख़राब है शाम को निकलना। कई लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ शाम को निकलते हैं, तो भाई थोड़ा स्केड्यूल चेंज करो, सुबह निकलो, वो ज़्यादा अच्छा है। चलो आज इधर से चलते हैं, देखो कुछ भरोसा नहीं है अपना, कब कहाँ से कहाँ टर्न ले लें अपन। मैं इसीलिए किसी को इनवाइट नहीं कर पाता साइकिलिंग के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं सोता रहता हूँ, अब मैंने टाइम दे दिया और कोई बेचारा उठ गया, और मैं रात को व्लॉग एडिट कर रहा हूँ,
तो कोई भरोसा नहीं रहता। हाँ बट ये है कि स्टोरी डाल देता हूँ तो अगर आसपास हो तो आप वहाँ आ सकते हो मिलने, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को वेट कराना। मेरे लिए कोई वेट करे वर्स्ट थिंग, आई डोंट वॉन्ट पीपल टू वेट फॉर मी। जब मिलना है तब मिलो। देखो यहाँ काफ़ी सुकून है, कोई चहल पहल नहीं, बहुत कम चहल पहल। ओह मज़ा आ गया। अब अपन JLU वाले ब्रिज से होते हुए फिर उधर जाएंगे जहाँ हरियाली और वाइब्स बहुत अच्छी आती है। हाँ और क्या, मतलब वही सही है। एक तो ये फ्लाईओवर बना के रखें, सीधा प्लेन टेक ऑफ यहाँ से। ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए। काफ़ी लोग यहाँ पे भी आते हैं घूमने, ये देखो कितने सारे लोग हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग आसपास के ही लोग हैं या फिर यहाँ जो कॉलोनीज है आगे थोड़ा। मैं तो यहाँ कॉलोनी लेके रह ही नहीं सकता, सीरियसली यहाँ शेर आने का कितना वो बना रहता है, आए दिन कोई ना कोई निकलता रहता है जानवर। चलो यहाँ का देखते हैं अपन ये ब्रिज खुला कि नहीं, क्योंकि ये बंद तो चुका है। आई डोंट थिंक ओपन हुआ है, नहीं बंद तो है, ताला लगा है। ओके सो फिर इधर से चलते हैं अपन। सी कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है। चढ़ाई आ गई, गियर डाउन कर लें ज़रा। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई एनर्जी अभी तुरंत, थोड़ी सी मेंटेन रहेगी तो अपन ज़्यादा घूम पाएंगे। थोड़ी बहुत ही यूज़ करता हूँ मैं गियर, कोशिश करता हूँ ज़्यादातर अपनी खुद ताकत से करूँ। कितना सही लग रहा है यार ये हवा, वाव बहुत बहुत साफ हवा आ रही है, सांस लेने में अलग ही फर्क समझ में आ रहा है। जगह तो बहुत अच्छी है, बस शेर का डर रहता है यहाँ। रात रात में कहाँ ही निकलोगे, यहाँ आसपास कोई दुकान तक नहीं है। सी ग्रीनरी, कितना हरियाली है। दिस इज द हरियाली वी आर टॉकिंग अबाउट, डोंट टेक इट अदरवाइज गाइस। ये हरियाली की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ अपन कम नहीं करेंगे, यहाँ अपन एनर्जी यूज करेंगे। अब ओके अरे खतरनाक दर्द दे रहे हैं पैर, ओ गॉड पूरे ऐसा लग रहा है लंग्स साफ हो गए। जितना अपन ने पॉल्यूशन भरा था ना लंग्स में, सब क्लियर हो गया। गाइस देखो ये आवाजें, ये शांति, दैट इज व्हाट आई लव, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई लव। अब यहाँ से यू टर्न एंड दिस इज द सेम ब्रिज, हमेशा अपन यहाँ से आते हैं बट आज अपन उल्टे डायरेक्शन से आए। नाउ विल गो बैक, आज तो पूरी चढ़ाई चढ़ाई है गाइस। आज अपन इस साइड से आए ना इसलिए अपन को पूरी चढ़ाई मिल रही है यहाँ से वहाँ तक आगे तक। वाह यार लड़की बुलेट चला रही है, अरे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे लोग भाई। बाकी लड़कियों सीख जाओ यार बुलेट चलाना, बुलेट नहीं मतलब सारी बाइक्स। आई पर्सनली नीड अ स्पोर्ट्स बाइक गर्ल, मतलब स्पोर्ट्स बाइक है तुम बाइक चलाना सीख जाओ तो वो तुम्हारे हाथ में दे दें, नहीं तो वो बहुत बड़ी जान है हमारे लिए, वो बहुत पहला प्यार है वो।
तो वो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दे सकते, हाँ बट सिखा ज़रूर सकते हैं। कब मिलेगी पता नहीं स्पोर्ट्स बाइक वाली। चलो पहुँच गए अपन वो वाले ब्रिज पे, वहाँ स्टोरी बनाएंगे, वहाँ बैठूँगा मैं, बहुत देर से घूम रहा हूँ मैं, वहाँ बैठूँगा फाइनली। सो अपन आ गए हैं ब्रिज के पास एंड अब अपन वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बहुत देर से साइकिलिंग कर रहे हैं। तो या अब अपन नीचे चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स होंगे, उसके बाद वापस साइकिलिंग चालू करेंगे। सो या लेट्स गो। आज धूप निकल गई तो वो माहौल नहीं मिल रहा है यार, अदरवाइज एक अलग पॉजिटिविटी रहती है, बट ठीक है। अरे एक कुछ अच्छी चीज़ दिखी, अपन फोटो क्लिक करते हैं उसकी। साइकिल यहाँ पे खड़े रहो बेटा। ओके सी इफ यू कैन सी दैट वर्ड ओवर देयर। नाउ वी आर गोना क्लिक अ फोटोग्राफ विथ आर एस 20 अल्ट्रा। जूम करें, एंड इवन इफ यू कैन सी दैट कि अभी अगर अपन 0.5x जूम पे है, देखो कितना क्लियर व्यू आ रहा है। पहले इसकी भी एक फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, एंड नाउ यू कैन सी दैट वहाँ पे एक टापू सा बन गया है, बिकॉज पहले नहीं था बट अब बन गया है। होली शिट वेट, या ओके सो यू कैन सी दैट टापू सा बन गया है, एंड वी आर गोना क्लिक अ फोटोग्राफ। बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा बट या 100x से तो कम ही होगा। सी परफेक्ट पिक्चर। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बेस्ट शॉट खुद सजेस्ट कर देता है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। देखो वहाँ पे एक त्रिशूल है, वी कैन सी दैट विथ आर 100x, बट नॉर्मल आइज से विजिबल नहीं रहता वो। सी दैट त्रिशूल, तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी बट या आई कैन सी दैट। मतलब ये तो एक तरीके से स्नाइप करना है। तुश तुश। एनीवेज चलो अब अपन आगे चलते हैं। चलो अपन सीढ़ी पे बैठेंगे, वहाँ जो सीढ़ियाँ हैं ना अपन वहाँ बैठेंगे। ऑलराइट देन। सो काफ़ी देर बाद अब अपन घर निकल रहे हैं, और अभी बज गए हैं सुबह के 8:03। काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठा हुआ था, और थोड़ा बहुत वर्कआउट हो गया साइकिल से, और बाकी साइकिल ऊपर नीचे स्टेयर्स पे एक हाथ में रख के और साइकिल से बाइसेप मार के थोड़ा बहुत वर्कआउट हुआ है। आई एम नॉट दैट वर्कआउट फ्रीक, बट ये है कि हाँ थोड़ा बहुत वर्कआउट हो गया। अब फिर उसके बाद वहाँ बैठा हुआ था, गाने सुन रहा था पुराने, और अब फ़िलहाल अब मैं वापस जा रहा हूँ घर। सो या आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जल्दी से 1 लाख टच करा दो यार। थैंक यू सो मच गाइस, पीस आउट। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।